सॉफ्ट ग्लोइंग स्किन तो हर किसी को चाहिए, लेकिन चेहरे के ऊपर जो ये छोटे छोटे बाल होते हैं ना, जिसे फेशियल हेयर कहते हैं, जब तक ये चेहरे पर रहते हैं ना, तब तक चेहरा सॉफ्ट और ग्लोइंग नजर आता ही नहीं है। कुछ को फेशियल हेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट कुछ एक लड़कियों को फेशियल हेयर पसंद नहीं होते हैं और फेशियल हेयर को रिमूव करने के अलग अलग मेथड ढूंढते रहते हैं। अगर आप भी फेशियल हेयर को रिमूव करना चाहते हैं और ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं जिसमें ना तो कोई पेन हो, घर पे बैठे बैठे आप फेशियल हेयर रिमूव कर लो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फेशियल हेयर को आप घर पे बैठे बैठे कैसे रिमूव कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी पेन के। स्किन के ऊपर जो मैल की परत जम जाती है उसको भी रिमूव कर देगा और आपकी स्किन भी ग्लोई हो जाएगी। और उसके बाद में जब भी आप मेकअप ट्राई करोगे, आपका मेकअप भी केक ही नहीं होगा और आपका मेकअप लॉन्ग स्टे भी करेगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चलो देखते हैं कि हाउ टू रिमूव फेशियल हेयर एट होम। प्रॉमिस, अगर आज की वीडियो में जो मैं स्टेप्स बताने वाले हूँ, अगर आपने वो फॉलो कर लिया ना, तो आपकी स्किन पहले से ज़्यादा ग्लो करेगी। बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना कोई महंगी क्रीम यूज़ किए आपकी स्किन ग्लो करेगी। आपका जो स्किन शेड है वो भी एक शेड लाइटर होगा। इजी, इफेक्टिव और साइंटिफिक तरीके से आपके चेहरे पर वर्क करेगा। मेरे फेशियल हेयर की ग्रोथ बहुत कम है, इतनी ज्यादा नहीं होती है। मैं एक वीक में एक बार या महीने में एक बार अगर फेशियल हेयर को रिमूव कर लूँ तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी जब हम आईब्रोज बनवा लेते हैं ना और उसके बाद में जो अनवांटेड हेयर आ जाते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन फेशियल हेयर को रिमूव करना आपकी पर्सनल चॉइस है, आप किसी के कहने पे या किसी को देखा देखने ना करें तो ही बेटर है। खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूं, क्योंकि मैं भी कभी एक टीनेजर हुआ करती थी और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है फेशियल हेयर को रिमूव करने में। मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं और बहुत गंदे तरीके से अपने फेस को खराब किया है मैंने। फेशियल हेयर को रिमूव करने का सबसे पहला जो मेथड आता है थ्रेडिंग। आई थिंक ये तो सभी लड़कियों ने यूज किया हुआ होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि उसमें कितना ज्यादा पेन होता है। बस थ्रेडिंग में एक एक बाल पुल करना पड़ता है और उसमें और वो एक्चुअली में पेनफुल होता है। फिर बारी आती है वैक्स कर, उसमें वैक्स स्ट्रैप्स यूज किए थे, वो फीट वैक्स स्ट्रैप्स बॉडी हेयर्स को रिमूव करने के लिए। मेरे शातिर दिमाग में एक ख्याल तो जरूर आया था कि अगर हम बॉडी हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं वैक्स स्ट्रैप्स से, तो हम फेशियल हेयर को रिमूव क्यों। मैंने वैक्स स्ट्रैप्स भी यूज किए हैं अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए। डेफिनेटली उनसे फेशियल हेयर्स तो रिमूव हो जाते थे, बहुत अच्छे थे। चेहरे के ऊपर जहाँ पे भी मैं यूज करती थी वहाँ पे रेडनेस आ जाती थी। और जो मेथड मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने यूज किया था वो था हेयर रिमूवल क्रीम। तो उसमें मैं यूज कर लेती हूँ उसको, मैंने यूज नहीं, घटिया वाहिया स्मेल आती है ना, बॉडी पे भी लगाना लाइक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। नेक्स्ट जो मेथड आता है वो होता है प्लकिंग, प्लकर से अपने आईब्रोज को प्लक करना, लाइक लिटरली यहाँ से एक बाल निकालना प्लकर से एक्चुअली में मौत आ जाती है। तो वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है, मेहनत बहुत लगती है और ऊपर से पेन भी बहुत ज्यादा। मुझे ब्यूटी विद पेन नहीं, मुझे ब्यूटी विदाउट पेन चाहिए। लेकिन अगर आपके थोड़े बहुत बाल आप प्लकर से प्लक कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रोथ है आप तो आप ये यूज नहीं कर सकते, ये आइडिया आपको यहीं पे ड्रॉप। नेक्स्ट मेथड है वो है लेजर ट्रीटमेंट। बहुत ज्यादा महंगा है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए तो अफोर्डेबल बिल्कुल भी नहीं है, तो हम इस वाले जो मेथड को यहीं पे स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट मेथड है मेरा पर्सनल फेवरेट जो भी बन चुका है, मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, फेशियल रेजर। स्किन केयर का स्टेप हम अगर यूज करते हैं या फिर हम जब भी मेकअप यूज करते हैं तो वो केकी लगता है, पैची लगता है और ज्यादा टाइम तक टिकता है। मैंने फर्स्ट टाइम फेशियल रेजर के बारे में सुना था तो मैंने सोचा था कि पता नहीं कैसे होंगे, और उस टाइम में टीनेजर थे, इतने पैसे भी नहीं होते, तो मैंने सोचा था कि एक अफोर्डेबल मंगा के देख लेती हूँ, बिकॉज मुझे फेशियल हेयर की बहुत ज्यादा लाइक यू नो उस टाइम ये रहता था कि चेहरे पे एक भी बाल दिख जाता था तो बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती थी। ऑल्सो अगर आपको एक्ने है, डार्क स्पॉट है, हाइपर पिगमेंटेशन है, तो आप रेजर यूज नहीं कर सकते। फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए मैंने फर्स्ट टाइम जो रेजर यूज किए थे, मैंने वो ये वाले रेजर यूज किए थे, ये 3 सेट ऑफ आ जाते हैं। मैंने ये वाले इसलिए यूज किए थे, एक तो ये बहुत ज्यादा ही अफोर्डेबल थे, ऊपर से मैंने जब रेजर है जिन्हें ब्लेड बोलते हैं ना, एक नॉर्मल कंट्रोल्ड अमाउंट में शार्प है, बहुत ज्यादा शार्प नहीं है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम रेजर यूज करी थी, मुझे सबसे बड़ा डर यही था कि मेरे चेहरे के ऊपर कट ना लग जाए और मेरे चेहरे पे पता नहीं किस तरीके से वर्क करेंगे। अफोर्डेबल में बट एक अच्छा फेशियल रेजर चाहिए था। उसके रिसेंटली मैंने ऑर्डर किए थे ये सैनफे आईब्रो टचअप फेस रेजर। इट्स विल मेक यू स्विच फ्रॉम पेनफुल थ्रेडिंग टू पेन फ्री रिमूवल ऑफ फेशियल हेयर एक्चुअली में। और ये मैन्युफैक्चर्ड है जैपनीज स्टील के साथ में, इसको होल्ड करना बहुत ही कंफर्टेबल है और एंटी स्लिप ग्रिप है इसकी। और इसके साथ में आप आईब्रोज के हेयर्स, अपर लिप्स, साइड बर्न्स, पीच फर्ज एंड चिन के भी हेयर्स को अच्छे से लिया, इसको अच्छे से आपको क्लीन करना है यूज करने से पहले भी और यूज कर। और रेजर को आप यूज कैसे कर सकते हो, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो जब भी आप फेशियल हेयर यू नो रिमूव कर रहे हैं तो आपकी स्किन क्लीन होनी चाहिए, चाहे
रेजर यूज़ करने से पहले आपको अपनी स्किन के ऊपर या तो कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है या फेशियल ऑयल अप्लाई करना है, या फिर आप कोई भी एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नेचर्स एसेंस का एलो ब्यूटी जेल। मैं एक थिक लेयर अपने फेस के ऊपर अप्लाई करूँगी। अब एक अच्छे से थिक लेयर अप्लाई कर लोगे, एक तो आपके फेस के ऊपर कट लगने के चांसेस कम हो जाएंगे और आपका जो रेजर है वो अच्छे से ग्लाइड भी हो जाएगा। मैं फौरन से स्टार्ट करूँगी अपने फेशियल ऑयल को रिमूव करना और छोटे छोटे स्ट्रोक्स में छोटे छोटे एरियाज़ को कवर करना है। और अपने रेज़र को फेस पे जब भी आप यूज़ कर रहे हो तो 45 डिग्री के एंगल पे यूज़ करना है। जैसे हम सब्जियाँ काटते हैं वैसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, बिकॉज उससे आपके फेस पे कट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एज यू कैन सी कि ये टिश्यू पेपर पूरा का पूरा भर चुका है। मेरे फेस पे एक्चुअली में इतने ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है हेयर्स की, बिकॉज मुझे ये वीडियो शूट करनी थी, इसके लिए मैंने काफ़ी टाइम से फेशियल हेयर रिमूव नहीं किए थे क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी और आप लोगों को बताना था कि मैं कैसे अपने फेशियल हेयर को रिमूव करती हूँ। लास्ट में मैं अपनी आईब्रोज को सेट करती हूँ एंड जस्ट लुक एट द ग्लो। एक्चुअली में आपके फेस के जो हेयर्स होते हैं ना वो आपके फेस के ग्लो को छिपा लेते हैं। उसके बाद में मैं अपने फेस को ऐसे ही नहीं छोड़ देती हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली रेजर यूज़ करने के बाद में मेरी स्किन थोड़ी खिंची खिंची लगती है, इसलिए या तो मैं टोनर यूज़ कर लेती हूँ, फेस सीरम यूज़ कर लेती हूँ, मॉइस्चराइजर यूज़ कर लेती हूँ, या फिर नॉर्मली फेस वॉश भी कर लेती हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ गुडवाइज का रोज ग्लो टोनर और उसके बाद में यूज़ कर रही हूँ लोरियल का 115 हाइलुरोनिक एसिड सीरम, क्योंकि इससे मेरी स्किन हाइड्रेट हो जाती है। आफ्टर दैट थोड़ी सी इरिटेशन भी कम हो जाती है, क्योंकि फेस पे रेजर यूज़ किया है तो थोड़ी सी इरिटेशन होना जायज है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, एक बार मेरे कहने पर फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए रेजर का इस्तेमाल जरूर करना और यूज करने के बाद में अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और कमेंट सेक्शन में आए रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। फेशियल हेयर रिमूव करने के बाद में अपने फेस के ऊपर हाथ को ऐसे रख करके एक बार उसे फील जरूर करना कि वो कितना ज़्यादा ग्लोई लग रहा है, कितना ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू ऑल टीनेजर्स या स्टार्ट कर रहे हैं फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए रेजर यूज करना चाहते हैं। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलती हूँ आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।